हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 14th ऑफ जनवरी और 15th ऑफ जनवरी के अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से आपके साथ मैं डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आता हूँ। आप इन वीडियोज़ को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर मिलती रहती हैं, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, SSC और रेलवे में, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे कंट्री वाइड कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव जनवरी 16 को, जो कि मैंने आपको बताया था। जनवरी 16 से वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा इंडिया में, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो है, जो हमारे 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ इंक्लूडेड है, उनको सबसे पहले वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और उसके बाद जो 50 ईयर से ऊपर की एज के लोग हैं, या जिन जिनकी एज 50 से कम है, लेकिन उनको अगर कोई और डिसीज़ है, जैसे चाहे वो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ होगी, डायबिटीज़ जैसी, तो फिर उनको कवर किया जाएगा। ऐसे 27 करोड़ लोग इंडिया में हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पहले फेज़ में जो टारगेट है वो 30 करोड़ लोगों को कवर करने का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा, आप मान के चले पूरा साल लग जाएगा। तो 3 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स और 27 करोड़ बाकी के लोग। और इसका जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है 16th ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसे खुद पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा वो एक कोविन जो है ऐप को भी लॉन्च करेंगे, जो कि है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ऐप, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करेगा वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी, ठीक है, कि किन किन को अब तक दे दी गई है, ठीक है। वो पूरा एकदम रियल टाइम बेसिस पे सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलती रहेगी, ठीक है। स्टोरेज से रिलेटेड भी, कितना स्टॉक पड़ा है, ठीक है ना। और इसके अलावा वो कुछ हेल्थ वर्कर से भी इंटरेक्ट करेंगे, जिन्हें कल यानी पहले दिन ये वैक्सीन दी जाएगी, उनसे भी कुछ इंटरेक्ट करेंगे वो। और आपको पता है इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन को अप्रूव किया गया है, इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है। एक है कोविशील्ड, जिसे मैनुफैक्चर किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, और भारत के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनका टाइप था। और कोवैक्सीन की जहाँ तक बात है, इसे भारत बायोटेक, जो कि इंडिया की ही कंपनी है, उसने इसे मैनुफैक्चर किया है, ठीक है। तो ये 2 इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इन वैक्सीन को दिया गया है, और कल से, सॉरी, जनवरी 16 से है ना, इनका स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। आगे अगर बात करें, कैबिनेट ने जो भी हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उन्होंने अप्रूव कर दिया है MOU, जो कि भारत और UAE के बीच में है, फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, ठीक है। जिसमें बेसिकली जो नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है ऑफ द UAE एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के बीच का ये MOU को अप्रूव किया है। और ये बेसिकली इससे क्या होगा, जो नॉलेज है, डाटा है, ऑपरेशनल प्रोडक्ट्स है, मेट्रोलॉजिकल, सिस्मोलॉजिकल, खासकर अर्थक्वेक से रिलेटेड डाटा जो होता है इंपॉर्टेंट, ओशनिक सर्विसेज जो है वो एक दूसरी कंट्री को शेयर कर पाएंगे, इंडिया और UAE। इसके अलावा भी साइंटिफिक और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होती है, वो भी, उसका भी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा इस MOU के बाद। इसके अलावा मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क ओवर ओशन और म्यूचुअल कोऑपरेशन रहेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल कैपेबिलिटीज एंड रिसर्च ऑफ सुनामी मॉडल्स फॉर फास्टर एंड मोर रिलायबल फोरकास्ट। तो बेसिकली जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमिना ये जो होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, इसको कैसे हम जल्दी प्रिडिक्ट कर पाए, इसको रिलेटेड बेसिकली जितनी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, भारत और UAE के बीच में ये MOU साइन किया गया है, ताकि इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर सके दोनों कंट्रीज आपस में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो जो US के प्रेसिडेंट इलेक्ट है जो बाइडन, जो कि 20 फरवरी को प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे, उन्होंने $1.9 ट्रिलियन का कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। और ये बेसिकली जो ये पूरा स्टिमुलस प्लान है, ये जो इनका स्टार्टिंग से ये देखिए कह रहे थे कि एक बार ये राष्ट्रपति बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जो खासकर इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा है US की, उनको ये एड्रेस करेंगे। और बेसिकली जितने भी वहाँ पे मिडिल क्लास के रहने वाले लोग हैं, फैमिलीज है, बिजनेसेस है, और लोकल गवर्नमेंट्स, उनको ये पैसा दिया जाएगा बेसिकली, ताकि इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव किया जा सके। खासकर वहाँ पे आपको पता है काफ़ी तेज़ी से फिर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, और अराउंड 3 लाख के करीब वहाँ पे डेथ्स भी हो चुकी है US के अंदर, आपको पता है। और उनका जो टारगेट है, जो उन्होंने गोल रखा हुआ है, वो है 100 मिलियन वैक्सीन प्रोवाइड करने का 100 डेज के अंदर, जब ये ऑफिस लेंगे उसके बाद, ठीक है। 100 डेज के अंदर 100 मिलियन वैक्सीन का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है। और मैंने खुदा 20 जनवरी को जैसे ही शपथ भी लेने वाले हैं। और इन्होंने भी, US ने भी 2 वैक्सीन को अप्रूव किया हुआ है फॉर एमरजेंसी यूज, जिसमें से एक तो है फिफ्सर बायो एनटेक की, ठीक है। तो उसका टारगेट इन्होंने रखा है 100 मिलियन वैक्सीन का। और नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनियन बजट, जो कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण रखेगी संसद के अंदर, वो पहली बार है कि वो पेपरलेस होने वाला है सिंस इंडिपेंडेंस, यानी सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में जो है सबको दिया जाएगा।
संसद के अंदर, और ऐसा कभी देखिए पहले नहीं हुआ। तो खासकर कोविड को ध्यान में रखते हुए इसे इस बार पेपरलेस रखा गया। और पहले क्या होता था, देखिए अराउंड 100 एम्प्लॉइज जो है वो 15 दिन बजट से पहले जो है वो घर नहीं जाया करते थे, और वो बजट को जो है बेसिकली उनकी प्रिंटिंग वगैरह का जितना भी फाइनल पेपर वर्क होता है उसको कंप्लीट करते थे। लेकिन इस बार जो है ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन मतलब सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में किया गया है। इस बार हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो बजट सेशन है वो 29 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और 1 फरवरी को यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश करेंगे, ठीक है। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे एट प्रेजेंट रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा है कि टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उन्होंने रेकमेंड किया है बेसिकली जल्द से जल्द जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, बेसिकली टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखी पहले बनाई थी, जो जो चेंजेस इस बार सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है। और इसे जो है इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी बेसिकली, ताकि जल्द से जल्द इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए इस NEP का। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में एक साथ आना चाहिए, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया पाए किया जा सके, और NEP को भी स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन उनका उसका हो पाए, ठीक है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये आप देख सकते हैं हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर एट प्रेजेंट रमेश पोखरियाल निशंक। अभी देखिए एज सच एक बार जब इसकी डिटेल सामने आएगी कि टास्क फोर्स में कितने मेंबर्स हैं, कब तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तो मैं आपके साथ जरूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा था। बट इससे पहले के जो अपडेट्स हमने अभी गो थ्रू किए थे, मैंने आपको बताया बजट के बारे में पहली बार है सिंस इंडिपेंडेंस की इसे पेपरलेस के फॉर्मेट में रखा गया है। इसका मेन रीज़न है कोविड-19 पेंडेमिक, और इसे इस बार सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में शेयर किया जाएगा इसकी सारी कॉपीज जितने भी वहाँ पे अंदर बैठने वाले सांसद हैं उनको, और 1 फरवरी को आपको पता है ये पेश किया जाएगा बजट। फिर मैंने आपको बताया US प्रेजिडेंट इलेक्ट जो बाइडन, जिन्होंने $1.9 ट्रिलियन का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, और बेसिकली जो मिडिल क्लास इनकम फैमिलीज है बिजनेसिस है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ये पैकेज बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया MOU जो भारत और UAE के बीच में, इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है बेसिकली साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, खासकर मेट्रोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और आखिरी मैंने आपको बताया था कल यानी January 16 को जो भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, उसको PM मोदी खुद लॉन्च करेंगे, और 2 वैक्सीन को भारत ने जो अप्रूव किया है, ठीक है। तो सब नोट डाउन कर ले सारी इन्फॉर्मेशन। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट। सो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। और हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो कि है takshilalearning.com, जहाँ पे आपको बैंकिंग, SSC, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज मिल जाएंगे जिसमें 1 साल का, 6 महीने का कोर्स, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you.